देखिए ये जो आर्ट एग्जिबिशन आज ग्रीन वैली स्कूल ने कल से ये शुरू हो गई, तो दिस इज़ एन ऑसम एक्टिविटी। वी शुड एक्सपोज द टैलेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ये आप देख रहे हैं कैलीग्राफी, डिफरेंट राइटिंग्स में लिखा, डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि वी आर नॉट एबल टू शोकेस दिस टैलेंट एट ए हायर लेवल। तो डेफिनेटली आफ्टर कमिंग टू दिस आर्ट एग्जिबिशन आई विल गाइड देम, आई विल प्रपोज देम टू डू इट एट ए हायर लेवल, सो दैट आवर स्टूडेंट्स जो हमारा टैलेंट है उनका ये हर जगह पहुँचे। दूसरी बात ये आपने कहा कि ये कैसा होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये अब एक इंक्लूडेड वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई किसी भी बच्चे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को हमें आगे ले जाना है। दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक फीचर्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहले आई वुड से कि रिस्पॉन्स इज़ वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई थैंक माय स्कूल कि उन्होंने ये एग्जीबिशन कंडक्ट किया। बेसिकली अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन पेंटिंग, सो माई पेंटिंग्स मेनली रिवॉल्व अराउंड मंडाला आर्ट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो बेसिकली आई वुड से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज इन अभी तक तो मेरी कोई रिकग्निशन नहीं थी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, बट सून आई केम है मैंने देखा कि सो मेनी पीपल केम, दे आस्क्ड फॉर माय नेम और माय इंफॉर्मेशन ताकि वो यू नो दे कुड रीच मी एंड आई गॉट ऑर्डर्स इज़ वेल। सो इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया वॉज देयर, बट इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सोशल मीडिया का रोल जितना है। सो येस, आई फील दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बच्चों का टैलेंट है उसको हम सामने लाएंगे और ये एक मिसाल कायम करेंगे दूसरे बच्चों के लिए कि वो भी अपनी सलाहियत जो है उसको पहले परखें और उसको निखारने की कोशिश करें। जहाँ तक ये हमारे स्कूल के इतिहास का ताल्लुक है वो ये है कि हमने तो अपना जो ये लोहा है मनवाया है बोर्ड रिजल्ट्स में, लेकिन खाली बोर्ड रिजल्ट्स के बारे में हम परेशान नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो काबिलियत बच्चे में है वो निखर कर सामने आए। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे को ये जो जहनी तनाव है या बच्चे में जो मनफी तासुरात पनपने लगते हैं उससे हम आराम से उसको छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि उसको और किसी चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा जबकि वो सिर्फ अपनी सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए और उसमें निखार पैदा करने के लिए जब वो कोशिश करेगा। सर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था ग्रीन वैली स्कूल ने इन कोलैबोरेशन विद जेके टूरिज्म। सर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट वर्क्स है, आर्ट फॉर्म्स है यहाँ पे, जैसे कि पेंटिंग है, स्केचिंग है और मेरा ये बोन कार्विंग। सर इसमें क्या है कि मैं वेस्ट मटेरियल जमा करता हूँ, जैसे कि ये बोन से बना हुआ है कैंडल। सर हम मीट खाते हैं फिर बोन्स फेंकते हैं हम डिस्कार्ड, लेकिन मैं इनको कलेक्ट करता हूँ और यूटिलाइज करता हूँ, डिफरेंट थिंग्स बनाता हूँ आउट ऑफ दीज। लाइक वी हैव हेयर ये पेन होल्डर मेड फ्रॉम शी बोन्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स वाइट कलर के, ये भी बोन से बने हुए, और ये जो ब्राउन कलर के ये वॉलनट वुड से, जो भी हमारा वो कारपेंट्री वेस्ट निकलता है घर से उनसे ही ऑर्नामेंट्स बनाए। सर आप देख सकते हैं ये नाइफ, दिस इज़ मेड फ्रॉम बोन, बुफेलो बोन। सर फिर आते हैं यहाँ स्कल्स पे, दीज आर रियल शीप स्कल, दिस इज़ कश्मीरी शीप एंड दिस इज़ कांगड़ा शीप स्कल। इस पे ये इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाए हुए हैं और यहाँ पे ये वॉलनट इनलेस किए हुए हैं इसमें। दिस वॉज द 11th आर्ट एग्जिबिशन फ्रॉम ग्रीन वैली विच वॉज डन फॉर द फर्स्ट टाइम by student artists, and the theme of this satrang was dedication of the artists of all Jammu and Kashmir. Yasti timo mehnat munuktan karmas chhe ya yim artist tihun yasti kam timan tat vos na timan yasti man du praise vos vot na timan kya as kori akh muhim ke lakit artist budding artist hasa gasan jama यम हसा करन ये आर्ट कैनवसस पे, मगर यो ही मकसद उस के यम करो कस अत आर्टस सतन अवेयर कि दिस आर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा कि सैकड़ों पीसेस ऑफ आर्ट हैं जो बच्चों ने यहाँ पे बनाए, मैं तो दंग रह गया कि इतना खूबसूरत और इतनी क्रिएटिविटी हमारे बच्चों में है, जो मुझे लगता है कि आज तक मैंने बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल
आर्ट गैलरीज में हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा हुआ है कि वो बच्चों में बहुत हद तक है, और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को, मेरा अपना बच्चा भी, उसकी भी यहाँ पे पेंटिंग्स और स्केचेस लगी हुई हैं, तो हम पेरेंट्स, हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि जो अंदर की जो फीलिंग्स है, आप देख रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कश्मीरी नौजवान जिस का शिकार हुआ है, अगर ये इसका दामन, आर्ट का दामन एक बच्चा, एक नौजवान हाथ में ले लेना, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं।